नमस्कार दोस्तों, एन के फर्नीचर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप देखोगे कि जो कटर के नीचे प्लेट या थल कैसे लगाती हैं, वो भी हमने थल भी नहीं लगाई है और इसमें एक जो गेज पट्टी बांधते हैं उसके लिए हमने एक स्पेशल जुगाड़ बनाया है। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, आप भी सीख जाओगे कैसे बनाया है। तो जैसे कि हम गेज पट्टी बांधते हैं तो हमारी क्या होता है, ये किली बाहर निकलती है तो प्लेट ख़राब हो जाती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी गेज भी सही बनेगा और प्लेट भी ख़राब नहीं होगी। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो हमारी पुरानी प्लेट है उसको खोल लेते हैं हम, जो इसका नया बनाएंगे। हमारे पास पेचकस नहीं है, देसी वाले पेचकस से खोल रहे हैं। जैसे कि हमने ये प्लेट पुरानी वाली खोल ली है तो इसकी चौड़ाई थी हमारी 8 इंची और लंबाई थी 13 इंची। तो अब आपको एक नई प्लेट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि हमारा 4 mm MDF और दोनों तरफ माइका लगा रखी है, तो हमारी ये फिलहाल के लिए 6 mm हो गई है और इसकी चौड़ाई हमने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि हमारा गेज पट्टी बनेगी इसमें यहाँ पर, तो इसलिए क्योंकि आपके कोई 5 इंची का पट्टा भी काटना पड़े तो आराम से कट जाए। ठीक है, तो अब हम इसके ऊपर निशान कर लेंगे। देखिए, एक अगर आपके पास पुरानी मशीन का जो थल है या प्लेट है जो भी है, एक तो आप इसी के अंदर होल करके तो भी आ सकता है, तो आपको हम नया करके बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे 1/4 इंची पे हम निशान लगा लेंगे, इधर भी 1/4 इंची निशान लगा लेंगे। इसके पेन या पेंसिल से निशान कर लेंगे, ये हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, जो हमने 1/4 इंची का यहाँ से निशान लगाया था उसके नीचे वाला जो कटर का हिस्सा होता है ना, पीछे वाला, तो प्लेट का है, तो ये अपने 1/4 इंची हो गया और इधर भी 1/4 इंची हो गया। और अपन एक बार कटर को भी देखेंगे तो ये 1 इंची और आधा सूत छोड़ के है, तो ये अपन को फाइनल जब रद्दा लगाएंगे तो इसको सीधा कर लेंगे एक बार के लिए। तो हम अभी इसको हॉल कर लेते हैं। और अब हमारा जो कटर है ना वो सही सेंटर में रखा हुआ है, जैसे कि हमारा ये आगे निकला है 2 इंची 5 सूत, उतना ही पीछे है। और अब हम इसके सेंटर में जो हॉल दिख रहे हैं ना आपको, उसके पेन से निशान करके और इसमें हॉल करके बता। अब हमारे जो हॉल है ना ब्लेड के अंदर, इसमें पेंसिल से या पेन कुछ चला देंगे ताकि निशान आ जाए। हमने ये चारों निशान उतार लिए हैं, अब हम इसके अंदर ड्रिल मशीन से हॉल कर देते हैं। हमने गुर्जस कर ली है ताकि ये स्क्रू जो लगाएंगे वो लेवल में रहे अपने। ठीक है, अब हमारी ये ब्लेड लग के तैयार है। अब हम इसका ब्लेड निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको खोल देंगे यहां से और इसको चालू करके, और अब हमें ये ब्लेड लग के तैयार है हमारी प्लेट, और हमें ये चेक करना है ये जो थल है या प्लेट सही से कितना इंची है। जैसे अभी ये आ रही है 1 इंची 1 सूत, यहाँ पे भी है 1 इंची आधा सूत, तो इसको सही मायने में चेक कैसे करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि एक सीधी पट्टी ले लीजिए और इसको इस ब्लेड से टच कर देना है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने टच कर दी, और आपको पेन या पेंसिल से जो भी है इससे निशान कर लेना है। ये निशान आ गया। अब आपको यहाँ से ये कोना चेक करना है, ये वाला चेक करना है, तो मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये सही आ रहा है क्या। तो देखिए, 1 इंची आधा सूत है ये हमारा, तो इसका मतलब ये आधा सूत का ब्लेड है, तो ये अपना 1 इंची सही काट देगा। और इधर भी चेक करते हैं, इधर थोड़ा सा आउट है अपना, 1 इंची 1 सूत है, तो हल्का सा इधर हम रद्दा लगाएंगे यहाँ पे इतना। जैसे कि हमारा यहाँ पे इतना हमें आधा हल्का और सा आप हमारे इस उड़ाना रंधे का है, वीडियो देखना तो हम चाहती रद्दा हैं से तो इसको ऊपर आई बटन पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस पे जाके देख सकते हैं।
अब हम इसको गुनिया में देखेंगे, जैसे जो हमारा ये थर और इस ब्लेड को टच करके देखेंगे कि हमारा गुनिया से थोड़ा सा आउट है, तो हम क्या करेंगे, इस इधर की इसके नीचे एक पैकिंग डाल देंगे। और अभी हम इसके लिए खोल देते हैं, और अब हम इसकी गेज पट्टी का जो बता रहे थे वो सीन करके फिर इसको फाइनल गुनिया में भी हो जाएगा, गेज पट्टी भी बनेगी, ये सीधा होना चाहिए, ये भी सीधा कर दिया हमने, तो हम इसको एक बार के लिए, जैसे कि हमने ये प्लेट खोल ली है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.25 इंची पे यहाँ निशान करेंगे और गुनिया से इसको खींच लेंगे ताकि अपना जो नाप है एकदम गुनिया में रहे। ठीक है, ये हो गया, ऐसे ही इधर से 1.25 इंची वापस लगाएंगे और इसको भी इधर से गुनिया लगाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हॉल कर लेंगे। अब हमें एक बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो इसके अंदर चलाना होगा, तो अभी हमारे क्या है, ये थोड़ा सा टाइट है तो हम इसको थोड़ा सा लूज कर लेते हैं। आपको क्या करना है, एक रोटर ले लेना है या जिक्सा से भी काट सकते हैं। अब हम इसकी पट्टी बनाएंगे, ये देखिए अब हमारा एकदम ये नट जो है ना इसके अंदर एकदम इजी, जहाँ आपको टाइट करना होगा वो वहाँ यहाँ पे हो जाएगा, दोनों साइड में इजी चल रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको वापस से कटर मशीन पे टाइट कर देते हैं, क्योंकि अब हमको एक ज़रूरत पड़ेगी एक पट्टी की, जो ये जो आपको गाला दिख रहा है ना इसके नीचे जो थल लगेगी, और आपके पास दो ये नट बोल्ट होने चाहिए और दो बाइसर होना चाहिए, जो ऊपर बाइसर डाल के अपन इसको टाइट कर लेते हैं। तो अब हम आपको निशान करके और इसको हॉल करके बताते हैं। अब ये पट्टी जो हमने निकाली थी उसको नीचे की तरफ रख के और इसके निशान ले लेंगे, जो इसके सेंटर में एक वो नट या बोल्ट लगाएंगे अपन, जैसे ये निशान हो गया ऐसे ही इधर कर लेंगे। ये निशान हमने कर लिए और अब हम ड्रिल मशीन से हॉल करेंगे जहाँ पे अपना ये बोल्ट इसके नीचे से फंसेगा। ठीक है, तो इसमें हॉल कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइट है, लूज कर लेते हैं इसको। पट्टी के अंदर हमने इस हॉल कर लिया है और ये बोल्ट है हमारा, तो इसको इसके अंदर डालेंगे फेविकोल डाल के, और इसके ठोकने के बाद ये लेवल हो जाएगा, तो हम इसके अंदर फेविकोल लगा देते हैं। ठीक है, दोनों को लगा देते हैं अंदर, और अब हम क्या करेंगे, इसके बोल्ट को इसके अंदर लगा देंगे, तो क्या है ये अपना स्क्रू जो बोल्ट है ना वो निकलेगा नहीं। अब हम इसके अंदर इसको डाल देते हैं, और जितना आपको चाहिए, जितना गेज हो गया आपको 2 इंची चाहिए 2 इंची, और इसके पीछे से तरफ से एक बोल्ट डाल देंगे बाइसर, और बस इसको टाइट कर लेते हैं। अब जैसे कि हमको 1 इंची की पट्टी निकालनी है, तो यहाँ से 1 इंची देख लीजिए, और यहाँ पे 2 इंची आधा सूत, और यहाँ पे 2 इंची आधा सूत करके इसको टाइट कर लेते हैं अपन चाबी वगैरह से, किसी से भी, और बस ये चाबी से टाइट कर लेंगे। अब हम आपको एक पट्टी काट के बताते हैं 1 इंची की। अब हम इसके काट ये देखिए 1 इंची फिक्स है,
कोई साइज में फ़र्क नहीं है कहीं पे भी, और चाहे जितने काट सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्नीचर से जुड़ी हुई वीडियो आपको यहाँ मिलते रहते हैं।